Hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the Masamosa. और आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी नई कार के बारे में बताने वाला हूँ. तो अगर आप मेरी नई कार के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप मेरा पिछला व्लॉग देख लीजिएगा जिसमें मैंने अपनी इस नई कार को बाय करा था. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और मैं आपको इससे अपनी नई कार टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में बताता हूँ. एज पर द वीडियो टाइटल और आज के व्लॉग में जैसे आपने टाइटल पढ़ के आए होंगे कि आज मैं अपनी फॉर्च्यूनर का रिव्यू दूंगा. तो इस फॉर्च्यूनर में मेरे पास रहे हुए एक हफ्ता हो गया और अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. तो रजिस्ट्रेशन में जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी ऑफ रोडिंग की लाऊंगा तो उसी टाइम में इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा. तो आइए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो इसकी स्पेसिफिकेशन से सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. तो इसमें आता है 2.8 लीटर का इंजन जो इंडिया में ही हमको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर है और आप इसको यहाँ पर और अच्छे से ट्यून अप करा सकते हैं. एंड देन ये 4x4 है तो इससे ऑफ रोडिंग तो होगी, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के पहले कि हम इससे केड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे. तो वो भी देखेंगे भाई, बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से हम लोग कर सकते हैं. एंड देन भाई इसके टायर 17 इंची 18 इंची के, वो अभी मैंने देखा नहीं है. तो 4x4 मॉडल तो मेरे ख्याल से 18 इंची के होंगे. खैर इसके टायर के मैं अलॉय व्हील्स चेंज करूँगा क्योंकि मेरे को डिज़ाइन खास उतना पसंद नहीं आया. तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर मॉडिफाई भी होगी. तो वो सारे व्लॉग्स के लिए भाई सब्सक्राइब करके रखो मेरे को, ठीक है. और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पे आपको जल्दी अपडेट्स मिलते हैं. तो यहाँ पे आईडी फ्लैश कर रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड देन भाई अब इसके कुछ फीचर्स का हम बात करते हैं. तो भाई फीचर्स नंबर वन ये 4x4 आती है. एंड देन भाई इसके कुछ फीचर इंटीरियर में मैं आपको वो दिखाता हूँ. और इस पर कीलेस एंट्री वगैरह आती है. तो भाई जैसे जो इंडिया वाली फॉर्च्यूनर वैसे इस पर फीचर्स आते हैं. यहाँ पर स्नाइपर राइफल्स आपको दिखा रहा हूँ. देखो भाई इस पे लाइक डोर हैंडल्स पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम आपके ये साइड के मिरर्स के एंड विंडोज़ के. एंड देन यहाँ पे हमें इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है. और हाँ, इसका जो ऑडियो सिस्टम है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो इंडिया में आता है. इसमें एप्पल कारप्ले एंड नेविगेशन वगैरह भी आता है, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह. तो ये उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और ये ज़्यादा फीचर लोडेड है. और स्टीयरिंग व्हील भी देख सकते हो, और ये BS6 नॉर्म्स के साथ आती है गाड़ी. और बाकी पीछे से पूरी सेम है. इस पर बस ये 5 सीटर है. वैसे मैं 7 सीटर ले सकता था, मैं 7 सीटर ली नहीं क्योंकि भाई मेरे को इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बैठने भाई मेरे बैठाने 5 ही लोग हैं. तो इसलिए मैंने इसके पीछे की सीट हटवा दी थी शॉपकीपर से कह के. तो अब यहाँ पे अच्छा खासा, मैं कभी पिकनिक वगैरह में जाऊँगा तो अच्छा खासा मैं लगेज ले सकता हूँ इधर. एंड देन अगर पीछे की बात करें तो वहीं आपको पीछे के जो शीशे कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं. और यहाँ पे एसी वेंट्स के कंट्रोल, और इस पर सनरूफ नहीं आती जैसे इंडिया वाली में नहीं आती. तो आपको थोड़ा इसके इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं. इसको स्टार्ट करता हूँ, बैठ जाओ. कीलेस एंट्री स्टार्ट, और ये स्टार्ट हो गई है. देख लो भाई पूरा यहाँ पे पीछे पीछे की सीट का व्यू ले लो. रेव करता हूँ तो ये डीजल है. देखो 3000 RPM तक आराम से रेव करती है खुद को ये गाड़ी. और यहाँ पे स्पीडोमीटर भी है. और अभी तक मैंने इसको 140 भगा दिया था जब मैं ला रहा था. तो बस, तो अब आइए इसको चलाते हैं और बाकी बातें इसको चलाने के बाद करते हैं. तो नाउ लेट्स ट्राई थी कार पे गोप्रो व्यू पे, ठीक है. तो गोप्रो व्यू बताना भाई कैसा लग रहा है. तो आओ अब इस कार के अंदर थोड़ी बातें करते हैं अंदर बैठ के. और जब मैं इसको थोड़ा ड्राइव करूँ तो आपको अपनी राइट हैंड साइड पर एक स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, वो किलोमीटर्स वाला है. तो उससे आप इसकी स्पीड भी देख सकते हो. भाई मैं पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा हुआ है. तो लॉस सेंटोस वगैरह एक्चुअली रूल क्या है कि अगर आपकी कार नहीं है और जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक इस गाड़ी की ना भाई स्पीड नहीं खोलते लोग लॉस सेंटोस वाले. तो वो बात उनको ध्यान पर रखनी है, इसलिए भागेगी नहीं. तो जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा तब इसकी स्पीड टेस्ट भी मैं दिखा दूँगा. तो अभी इसकी स्पीड लिमिटेड कर दी गई है, जैसे मैं बताया था 140. तो 140 से आगे बहुत रेयर ही जाएगी, 140 तक भी बहुत स्ट्रगल करेगी जाने में, ठीक है. तो इसलिए, और इसकी जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये मेरे को, अगर मैं इंडिया की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करके बताऊँ तो मेरे को 48 लाख की पड़ गई थी यार ऑन रोड लॉस सेंटोस, ठीक है. तो भाई अब उस हिसाब से आप जानते हो भाई क्यों महंगी पड़ गई यार, पूरी गोल्ड की है ये. और इस पर ऐसा नहीं है भाई रैप्ड है, ये पूरी रियल गोल्ड से गाड़ी बनाई हुई है. और इसके बदले मैंने अपनी एक और कार एक्सचेंज कर दी है. तो अगर आपने मेरी वाली कार नहीं देखी तो वाली कार भी देख लेना. वाली कार के बारे में बता दूंगा, वो एक्चुअली मेरी लैंड रोवर स्टाइल पूरी मॉडिफाइड थी वाली मेरी कार, ठीक है. तो वाली कार भी लैंड रोवर स्टाइल पूरी मॉडिफाइड थी, उसका पूरा ग्रिल व्रिल पूरा मॉडिफाइड था लैंड रोवर स्टाइल का. तो इसलिए वो कार बिक गई. वो कार मेरे को 10 लाख की बिकी, उसके बाद मेरे को जाके 48 लाख की अमाउंट पे करनी पड़ी थी. तो आप सोच रहे हो भाई फ्रैंकलिन का आ गया वो इस ब्लॉग में क्यों नहीं था. एक्चुअली उसको थोड़ा काम था,
तो वो फ्रैंकलिन अपनी जॉब करता है तो उसको थोड़ा बहुत काम था इसलिए वो जल्दी सुबह उठ गया, वरना वो आज मेरे साथ मेरे घर चलता। लेकिन ठीक है भाई, नहीं आ सका बेचारा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो भाई इस गाड़ी कैसे चलने में भाई, कॉर्नर्स तो भाई बिल्कुल आराम से ये गाड़ी कर ले रही है, मतलब बिना किसी टेंशन के। और इंजन हाँ इसका थोड़ा नॉइजी है जब मैंने ऑब्जर्व करा भाई, देखो और भाई है थोड़ा इंजन इसका नॉइजी। एंड देन इसका एसी पीछे वाला इतना पावरफुल नहीं है जितना मेरे को लगा, क्योंकि जब फ्रैंकलिन मेरे साथ बैठा हुआ था, वो पीछे एक बार बैठा था और मैं और फ्रैंकलिन दोनों पीछे बैठे थे, उसका ड्राइवर ये कार चला रहा था, तो भाई एसी उसका इसका इतना एफिशिएंट नहीं है। और हाँ इसका ऑडियो बहुत तगड़ा लगा मेरे को एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, तो इसका ऑडियो बहुत अच्छा है भाई, आप देख ही सकते हो इसका ऑडियो कितना अच्छा है इस कार का भाई। अभी मैं इसका ऑडियो सैम्पल इसकी नेक्स्ट वीडियो जब इसको मॉडिफाई कराऊंगा तब मैं इसको दिखाऊंगा आपको इस गाड़ी का ऑडियो, तो तब आप इस गाड़ी का ऑडियो देखना भाई बहुत तगड़ा है, क्योंकि हम लोग ने उधर से इसके स्पीकर वगैरह बदलवाए थे, उस पर डाले भाई JBL के फ्रंट कॉम्पोनेंट्स एंड पीछे पूरी बेस ट्यूब डली गई, क्योंकि अभी बेस ट्यूब मैंने डलवाई नहीं थी, क्योंकि अभी मेरे को वापस सिटी में ही आना है, इसलिए मैंने बेशी कुछ भी डलवाई नहीं अपनी इस कार पर। और बाकी भाई इसकी परफॉर्मेंस तो आप देख ही पा रहे होगे भाई, इतनी ग्रेट नहीं है। और आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हो मैंने फोर्ड की एंडेवर क्यों मिली, ये तो फोर्ड की एंडेवर इसलिए मिली भाई क्योंकि उस पर ना, क्योंकि इंडिया और यहाँ वाली फोर्ड एंडेवर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जब मैं आपको सच बात बताऊँ तो इंडिया और यहाँ की जो फोर्ड एंडेवर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे उसके इंजन पावर कम है और BS4 नॉर्म्स के साथ अभी भी इधर बिक रही है, तो इसलिए। और इसका एवरेज की मैं अभी बात करूँ तो भाई मतलब मेरे को 9-8 का एवरेज दे रही है ये, और भाई क्योंकि कल ही इसका फुल टैंक कराया था और भाई अभी इसकी आधी टंकी हो चुकी है, क्योंकि मैं अपने गांव की रोड पे आ रहा हूँ, तो देखो भाई ये मेरा गांव की रोड है, ठीक है, तो 120 तो मैं नहीं भाग पा रही हूँ, देखो भाई तो जब तक इसका स्पीड लिमिटर नहीं हटेगा तब तक हम इसकी कोई ना स्पीड देख नहीं सकता। अब उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे अपनी पुरानी कार के, पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग पुरानी कार के डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांग रहे, तो मैंने ठीक है भाई यार तुम लोग रख लो पुरानी कार के डॉक्यूमेंट्स, तो वो लाने पड़ेंगे। और जो मैंने कार सोल आउट करी है उसका एक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मेरी पूरी प्राइवेट नंबर पर रजिस्टर्ड थी वाली मेरी कार, तो इसलिए अभी चलते हैं भाई थोड़ी भगाने की कोशिश कर तो रहा हूँ, मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा है, गाड़ी भाग नहीं रही, 120 स्पीड में देखा भाई गाड़ी की, ये जो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस है ना भाई, जो हैंडलिंग है मेरी इस गाड़ी की वो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अभी आपने देखो मैं 120 स्पीड में ऐसे कुदा दी थी, पूरी जंप करा दी थी कार, तो ये ही देखता हूँ ये गाड़ी कितनी पावरफुल है, तो इसीलिए भाई फॉर्च्यूनर रिकमेंड करता हूँ मैं लॉस सैंटोस पे। तो ये आ गया मेरा घर, तो यहाँ पे कार में पार्क करता हूँ रॉन के पास, तो रॉन ने भी मेरी काफ़ी मदद करी है इस कार को दिलवाने में, थोड़ी सी हाँ। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर करना और इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड टिल देन गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।